हाय गाइस, आई एम प्रथम शौकीन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ड्रैग रेस वीडियो। गाइस, आज हम ड्रैग रेस करने वाले हैं भाई हुंडई वर्ना टर्बो वर्सेस फॉक्सवैगन वर्टस जीटी। बहुत कंट्रोवर्शियल ड्रैग रेस रही है इनकी हमेशा से, और शायद ये भी कंट्रोवर्शियल ड्रैग रेस रहे क्योंकि इन दोनों के जो फैन बॉयज है भाई बहुत कट्टर फैन बॉयज हैं, तो आपस में लड़ते रहते हैं और हमें भी गालियाँ बकते रहते हैं कि तुमने वर्टस जिता देंगे तो वर्टस वाले वरना वाले बकेंगे गाली, और वरना को जिता देंगे तो वर्टस वाले बकेंगे। तो जो भाई रिजल्ट रहता है हम तो वही दिखाते हैं। तो स्पेक्स बता देता हूँ भाई, जो अपनी वर्टस जीटी है वो ट्यून्ड है, स्टेज वन ट्यून्ड है, अराउंड 180 bhp ये निकाल रही है एंड 320 nm ऑफ टॉर्क। वहीं बात कर ले हम हुंडई वर्ना की, तो भाई ये स्टॉक गाड़ी है और ये अपना 160 bhp एंड 260 nm ऑफ टॉर्क निकाल रहा है। इसका 1.5 टर्बो इंजन, दोनों 1.5 है, वो 1.5 TSI है, ये TGDI है, और जो वरना है ये अपनी मैनुअल है, 6 स्पीड है, और जो वर्टस जीटी है वो 7 स्पीड है, अपना DQ200 गियर बॉक्स के साथ आती है। तो ट्यून का फ़ायदा तो वर्टस को रहेगा ही, बट वरना को जो बेनिफिट रहने वाला है वो मैनुअल ट्रांसमिशन का रहने वाला है। तो जो लॉन्च होगा ना वो वरना का ही बहुत बहुत ज़्यादा बेटर होगा वर्टस से। गाइज, वर्टस चलेगी स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन ऑफ, AC ऑफ, दो दो बंदे बैठे दोनों गाड़ियों में, वो भी फुल पोटेंशियल में चलेगी। मोड तो आता ही नहीं है ना, है स्पोर्ट्स में डाल लिया ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, AC ऑफ, दोनों में सेम सेटिंग्स है। राउंड वन चल भाई, वरना आगे भाई मैनुअल, बहुत बाद में पकड़ेगी यार वर्टस, बहुत बाद में पकड़ना शुरू करा है अब, इतने में ट्रैक खत्म। ऐसे ही होगा भाई, रिजल्ट तो यही आएगा, वरना ही जीतेगी मैनुअल ट्रैक। अगर DSG वाली होती तो मतलब नहीं था, तो बहुत गंदा तरीके से वर्टस आ जाती, बट मैनुअल मैनुअल है भाई। और वरना के मैनुअल में ना ये फायदा, कोई लैग वगैरह नहीं है किसी भी तरह का। अब हम मैनुअल कर लेते हैं, वरना विनर, वरना हाँ भाई मैनुअल का यही तो फायदा है, कोई लैग ही नहीं उस गाड़ी में, इसमें तो देखना पड़ता रहा अब जाएगी। नहीं नहीं, एक राउंड और करते हैं ड्रैग का, ड्रैग में अभी वरना ही जीतनी है, फिर रोलिंग कर लेते हैं। हाँ, हमने मैनुअल में डाल ली गाइस। चल भाई तीन और मार, बहुत लैग ले रही है, इतने में तो वो पार हो रही है, इस बार कम है, पहले से कम है, की बार कम है भाई, थोड़ा लेफ्ट से लियो, लेफ्ट से लियो, यहाँ गड्ढा सा है। ट्यून्ड वर्टस वर्सेस वरना 1.5 180 70 पे निकलेगी, 170 पे निकलने लग गई थी, अब 180 पे निकल जाएगी। मैनुअल के साथ करेंगे तो गाइस वर्टस, ट्यून्ड वर्टस 180 पे निकलेगी। अब रोलिंग करते हैं गाइस, अभी है ना हम रोलिंग नहीं कर रहे, एक और ड्रैग रेस कर रहे हैं, इसमें देखते हैं हम एन से। हाँ वो अभी लॉन्च कंट्रोल भाई, लॉन्च कंट्रोल जो हम इसमें एक्टिव कराने वाले हैं भाई बहुत जल्दी से, आगे वाली उसके बाद फिर मजा आएगा। N2S या S सेफ नहीं है, कोई नहीं, एक राउंड करके देख लेते हैं, एक राउंड कर रहे हैं बस, फर्स्ट और लास्ट जो है, ठीक है, 1 2 3 और भाई ओए ओए ओए, वो मैनुअल का फायदा यहीं पे उठा रही है, और ये अपनी वर्टस भाई गियर होल्ड कर रही है, गियर ही नहीं चेंज कर रही भाई, रुक जा यार, गियर नहीं चेंज करा, गियर होल्ड कर रही है, पहले ही बोल दे रहा हूं गियर होल्ड कर रही है, उससे ध्यान मत कर, गियर बॉक्स खराब होगा, लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट करा लेंगे ना जब ही फायदा है, रोलिंग ही कर ले, ये देख लो भाई बिल्कुल यहां अटक गया भाई गियर, गियर चेंज हो जाता है क्योंकि अब इसका भाई TCU ट्यून हो चुका ना, बात ये भी था, अभी नहीं जीतने देगी अगर वो ड्रैग वरना मैनुअल, अभी नहीं जीत सकते उससे, रोलिंग जीत जाएंगे, रोलिंग जीत जाएंगे। हां सो गाइस, अब रोलिंग रेस कर रहे हैं और ड्राइवर चेंज हो गए हैं, मैं चलाऊंगा वर्टस, और मतलब तुषार तो अपनी वरना ही चला रहा है, बट अलावा साइड में आके बैठ जाएगा जैसे मैं बैठा हुआ था भाई, तो एडजस्ट कर लेते हैं सीट वगैरह, क्या रखोगे, मैक्सिमम ही रखेंगे, स्पोर्ट्स में रखूंगा, ट्रैक्शन ऑफ है ही, AC ऑफ है, सेकंड गियर 40 सेकंड गियर 40 सेकंड गियर 40 हां, 20 कर लो पहले फिर सेकंड गियर
फर्स्ट गियर 20 कर लो। चलो ऑन दो मैं दूंगा, दो सही है यार, तीन में कंफ्यूजन होती है। भाई रोलिंग में नहीं जाने दे रही भाई, पीछे रहेगी यार वरना, तो ये देखो पीछे रहेगी वरना। गियर होल्ड कर रही है अपनी गाड़ी है ना, चौथा गियर बहुत होल्ड करा है इसने, अभी पूरी रेस नहीं जा रही, तीसरे से चौथे में जब आई है। मैं खुद शिफ्ट करूंगा इस बार रोलिंग में भाई। अभी वैसे हम चेक ही कर रहे हैं क्योंकि हमने ना इस गाड़ी से इतनी ड्रैग वगैरह करी नहीं है ट्यून होने के बाद, मतलब हम गाड़ी समझ खुद भी नहीं समझ पा रहे भाई अभी है ना, क्योंकि मैंने हालांकि ट्यून के बाद 3,500 किलोमीटर चला लिया है अभी। तीसरा गियर होल्ड हो रहा है पता नहीं क्यों, 6,300 पे जाके रुक रहा है, 6,000 के बाद तो आरपीएम बढ़ लेट रहा है एक तो, और वो होल्ड और गियर चेंज भी नहीं हो पा रहा। चेंज कर दूंगा इस बार पहले शिफ्टर से, हाथ से करियो अब देखते हैं। गियर होल्ड मार रही है तीसरा। अच्छा भाई आपने गलत करा ना एन टू डी, वो एन टू डी थोड़ी करा है, तो नहीं हो गया गियर इतनी नहीं, लॉन्च कंट्रोल के बाद वैसे जो होएगा वही सही है। सेकंड गियर 40 मतलब इसमें ये तो हॉर्न मैं दे दूं भाई। हाँ तू दे दे, दो दो दियो, तीन करा दो ना यार, चल तीन दे दियो। मतलब यार इसमें ये दिक्कत आ रही है ना, गियर होल्ड जो कर रही है ये, बस 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 बस। अब की बार भाई, अब की बार जो है तू मैनुअल उससे करियो, मतलब अपने हाथ से ही। सेकंड गियर 40 मैक्सिमम पोटेंशियल, हॉर्न तीन हमारे, ठीक है ठीक है भैया आ जाओ। भाई अब मैनुअली खुद ही गियर चेंज कर रहा है प्रथम, ये देखो अब नहीं आने दे रही भाई, अब भी नहीं आ रही, अब थोड़ा बहुत आ रही है पर ये देख लो भाई फिलहाल जो है अभी भी पीछे ही रहेगी भाई, वही दिक्कत थी। हाँ 170 तक भी नहीं आने दे रही भाई, बस ब्रेक लेके भाई, लेकिन अच्छा कंपटीशन दे रही है भाई वरना मैनुअल। यार एक राउंड है ना नॉर्मल वाले रेस का ना, फिर से करते हैं जिसमें तू मैनुअल चला और गियर अपने हाथ से चेंज करियो, उसमें नहीं जीते यार, उसमें बहुत गैप बना देते, बहुत बढ़िया टक्कर। फर्स्ट गियर 20 भी एक कर लो लास्ट भी, मैनुअल बढ़िया। फर्स्ट गियर 20 करते हैं, इतनी लंबी, कितनी लंबी खींचते हैं। चलो भाई अब शुरू करते हैं। लो भाई 20 पे कर रहे हैं तो भी, वरना जो है अभी पीछे रहे। अरे यार इसमें ज्यादा गैप बन गया, इसमें गैप ज्यादा बन गया, ये देखो भाई वहाँ है वरना भी, बस ब्रेक ले भाई ब्रेक, वरना तो आई ही नहीं, वरना ब्रेक ले लिए भाई हमने। अच्छा भाई मेरे को नहीं, हमने ब्रेक ले लिए शीशे में, नहीं दिख रही थी ना मेरे को लगा कि वो पीछे रह गए ब्रेक, हाँ मतलब ब्रेक मार लिया इस शीशे में, यही लगा था अभी क्योंकि वो डिग्गी के पास होगी ना, दूर थी गाड़ी थोड़ी, इसमें मतलब इसमें गैप ज्यादा बन गया। सो गाइस रिजल्ट इनका ये रहता है कि भाई अगर हम वर्टस ट्यून वर्टस जीटी की अगर हम वरना के साथ करते हैं जो कि मैनुअल है, मैनुअल के साथ अगर हम करेंगे तो ड्रैग जो है वरना ही जीतेगी, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, शायद स्टेज टू भी करा देंगे वर्टस को तब भी मैनुअल वरना ही जीतेगी क्योंकि लॉन्च का बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, और वर्टस अगर मैनुअल होगी तो नहीं जीत पाएगी क्योंकि उसमें वो बॉक डाउन हो जाती है और लैग आता है, वरना में है ना कोई ऐसा लैग कोई बॉक डाउन होती नहीं है। और रोलिंग करते हैं तो रोलिंग में तो जीत ही जाती है वर्टस, जो स्टार्टिंग में ज्यादा गैप नहीं बनता, स्टार्टिंग में रोलिंग इसलिए हार गई क्योंकि गियर होल्ड कर रही थी, हमने बताया भी आपको, पता नहीं वो एनसीडी में करा उसके बाद से गियर होल्ड कर रही थी, उसके बाद मैंने मैनुअली चलाए मैनुअली शिफ्ट करे थे गियर, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर यहीं पे अगर ये वरना डीसीटी वाली होती तो हार जाती, बढ़िया बढ़िया गंदे वाले गैप से हारती फिर तो, लेकिन ये फास्ट है बहुत ज्यादा, तो भाई इसमें जो ड्रैग की विनर है वो वरना है और जो रोलिंग की है वो ट्यून्ड वर्टस जीटी है। तो यही थी वीडियो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू गाइस।